Okay, question is saying arrange the following in order of thermal stability. ठीक है, तो thermal stability का order नीचे down the group stability increase होती है या decrease होती है, what do you think? Decrease. As we go down the group, thermal stability decreases in a group. So H2S, H2O का जो bond होगा, H और O का bond, so that will be O being smallest, तो ये bond जो होगा strongest होगा. As we go down the group, T being very large in size, तो उसका bond length भी ज्यादा होगी H के साथ. तो we can say यहाँ पर as we go down the group, bond length increases. Bond length बढ़ने से bond की strength decrease होगी, क्योंकि बड़ा bond जो होता है जल्दी टूटता है. तो या फिर हम बोल सकते हैं bond enthalpy also decreases. Bond enthalpy decreases, so we can say thermal stability decreases down the group. तो thermal stability decreases. अब अगर हमें order पूछा है in increasing order, increasing order होगा उल्टा चलेंगे, एच टू टी सबसे कम, सबसे ज्यादा एच टू एस, सॉरी एस सी, एच टू एस एंड एच टू विल बी मोस्ट स्टेबल. क्लियर? यस. नेक्स्ट राउंड रिंग टेस्ट को तुम पूरा एक्सप्लेन कर लोगे, इसका एग्जैक्ट टेबल एनसीईआरटी में या मैं लिखवा दूं? सो राउंड रिंग टेस्ट के अंदर होता क्या है, द फैमिलियर राउंड रिंग टेस्ट इज फॉर नाइन थ्रीज, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एबिलिटी ऑफ आयरन to reduce nitrate to nitric oxide. तो इसका एक principle अगर तुमसे पूछा जाए Brownian test के ऊपर आ जाए, तो you will write कि इसमें Fe2+ reduces nitrates to nitric oxide. ठीक है? अब which reacts with Fe2+ to form brown colored complex. तो बाद में जो nitric oxide होता है वो complex बनाता है with Fe2+. तो इसको reactions को learn करना इतना मुश्किल नहीं है. तो इसके अंदर एक चीज और, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को साथ में ऐड किया जाता है अलोंग द साइड्स, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है. तो देखो, सबसे पहले नाइट्रेट जो होगा, नाइट्रेट को Fe2+ इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 3Fe3+. अब तुम्हें रिएक्शन को लर्न करने में अगर दिक्कत आती है कि सपोज, देखो दो तरीके होते हैं, या तो तुम इस रिएक्शन को रिडॉक्स से बैलेंस कर लो, दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, या फिर इससे आसान तरीका अभी के लिए, क्योंकि इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा हर एक रिएक्शन के लिए, तो यू लर्न स्टोचियोमेट्री ऑफ वन साइड एंड स्टोचियोमेट्री एक साइड की लर्न होगी तो दूसरी साइड की तो बन ही जाएगी. दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू लर्न वन नाइट्रेट टू आयरन एंड 4H. तो ऑब्वियसली यहाँ 4H प्लस में यहाँ 2H2 होगा. अगर दो Fe इधर है तो इधर भी दो ही Fe होने चाहिए. अगर दोनों जगह तीन है तो दोनों जगह तीन, ये दीज आर 3 and 3. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन लर्न दिस, एक साइड की स्टोचियोमेट्री लर्न कर लो, दूसरे साइड को बना लो. ठीक है ना? अब इस केस में हुआ क्या, नाइट्रेट गॉट रिड्यूस टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है वो Fe 2+ जो आयन है उसका ऑलरेडी पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना होता है, दैट इज दिस Fe(H2O) बोल से 2+, उसके साथ उसके लिगेंड को चेंज कर देता है कोऑर्डिनेशन में. जैसे हमने पढ़ा है लिगेंड कैन बी चेंज्ड, तो लिगेंड चेंज होकर ये बना देता है Fe(H2O)5 एंड Na. For in all water H2 is. So in this case, the complex finally becomes, it is the complex that gives the brown ring at the corners. So
तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से हमारा फेरस, देखो दिस इज कैरिड आउट बाय एडिंग फेरस सल्फेट, फेरस यानी FeSO4 डाला जाता है ठीक है, एंड देन केयरफुली एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग दिस साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ये रिएक्शन में जो Fe आयन है वो बाहर निकलता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है, एंड दैट इज व्हाई ये टेस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने में प्रॉब्लम होता है। कर लोगे इसको? Yes. ग्रीनिश येलो गैस है, ग्रीनिश येलो गैस से क्लियर हो जाता है कि ये क्लोरीन होगी ठीक है। क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो इन कलर ठीक है, ऐसी येलो कलर जो ब्रोमीन है वो भी थोड़ी कलर में आती है ब्राउन कलर टाइप में। तो कलर गैसेस में सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन वायलेट कलर की हो जाती है, तो ये कलर की वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस गैस मोस्ट ऑफली इज क्लोरीन। लेट अस सी अगेन, पंजेंट स्मेल ठीक है, सफोकेटिंग ऑडर ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट भी सही लग रहा है। अच्छा अब सल्फ्यूरिक एसिड्स भी हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, बट वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं होते, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ ब्लीचिंग पाउडर तो फिर क्लोरीन ही देता है ठीक है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ए एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद कोल्ड हॉट एंड कंसंट्रेटेड एनएमएच ठीक है। तो अब हमें क्लोरीन की ये देखनी है, क्लोरीन स्लेक लाइन यानी कि COH होल्ड वाइज के साथ क्या बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन भी गिवन थी, इफ यू रिमेम्बर रिएक्शन इज CaOH होल्ड वाइज प्लस स्लेक लाइन में Cl2 के साथ रिएक्शन। तो दिस गिव्स अस CaOCl2 देता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, और यही सब चीजें, इन सब का मिक्सचर ये जो हमने ऊपर बनाया है, इन सब का मिक्सचर ही ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज लाइक अ कंपाउंड व्हिच हैज ऑल ऑफ द अबव ऑलमोस्ट, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डॉट कैल्शियम क्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग बट इस रिएक्शन से मिले जुले प्रोडक्ट्स, इस रिएक्टेंट के मिले जुले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। CaOH होल्ड वाइज प्लस CaCl2 प्लस CaOCl2, ये सब के सब आ गया और वाटर, दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रोल ये होता है, इट गिव्स इट रिमूव्स कलर है ना, तो अगर ये कलर को रिमूव करता है तो ब्लीच करने में काम आता है। तो इसके अंदर व्हाई डज इट डू सो, तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर से ये कलर को रिमूव कर देता है, तो एनी कलर्ड सब्सटेंस को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें, कलर्ड सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन करें तो दैट गिव्स कलरलेस सब्सटेंस। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज टू मेंशन हियर इज दैट जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन होता है इट इज परमानेंट, व्हाइल दैट ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इज इट हैज परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। SO2 का भी ब्लीचिंग एक्शन होता है बट इट इज टेम्पररी ठीक
ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात है तुम्हारे दिमाग में रखने की, SO2 हैज टेम्प्रेरी ब्लीचिंग एक्शन बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग होता है, इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूस करने से कोई भी चीज को अगर हम कलर बढ़ाएंगे तो हवा में फिर ऑक्सीडाइज होके वापस से वही कलर में आ जाएगा, अगर हम किसी को ऑक्सीडाइज करके कलर करेंगे तो वो बाहर एटमोसफेयर में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन वाई क्लोरीन का परमानेंट एक्शन होता है, वाई सल्फर ऑक्साइड का रिड्यूसिंग टेम्परेरी एक्शन। इज दिस क्लियर? एक रिएक्शन बट SO2 रिड्यूसिंग है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो ब्लीचिंग एक्शन कैसे हो सकता है। उसका भी रिड्यूसिंग से भी हम कलर को हटा सकते हैं ना, मतलब ये है देखो सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होता है, क्यों? क्योंकि किसी चीज को अगर तुम रिड्यूस कर दो, कलर सब्सटेंस को रिड्यूस कर दो, देन आल्सो इट कैन बी टर्न इनटू अ कलरलेस सब्सटेंस, अगर तुम किसी चीज को रिड्यूस कर दो। तो अगर तुम उसे रिड्यूस कर रहे हो तो एयर में, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है तो चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो जाता है या कोई भी आर्टिकल्स, खाना जो होता है वो रैंसेड हो जाता है। तो अब अगर तुम एक रिड्यूस चीज को करके कलर हटाया है तुमने और उसको थोड़े टाइम रख के रह लोगे तो वापस से वो ऑक्सीडाइज होकर अपना ब्लीचिंग एक्शन को लूज कर देगा, दैट इज वाई SO2 हैज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन। और इसकी रिएक्शन और आएगी, क्वेश्चन कह रहा है इसकी रिएक्शन लिखो विद कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH और हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ अलग अलग रिएक्शन दिखाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन विद NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ इट प्रोड्यूसेस हमारा NaCl तो हमेशा ही बनता है, NaOCl सोडियम ऑक्सी क्लोराइड और H2। ठीक है, अगर ये भी याद रखना अच्छी बात है कि अगर हम इसके अंदर हॉट एंड कंसेंट्रेटेड का भी याद कर ले, वैसे लिखना नहीं है, जस्ट गिविंग अ रीकैप। हॉट एंड कंसेंट्रेटेड के साथ क्या डिफरेंस होता था, उसमें भी NaCl तो बनता था बट उसमें परक्लोरेट बन जाता था, NaCLO3 और H2। बैलेंस करना एक से एक को लर्न कर लेना, इधर इधर 6 और इधर 3 होता है, तो इधर तुम ऑलरेडी बना सकते हो, 6 Cl है तो यहाँ पे 3 Cl2, सॉरी 3 Cl2 और 6 Na2, तो ये मतलब 3 Na2 और 3 Na2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी होगी, क्लियर? इस